सो फ्रेंड टुडे आई वांट टू डिस्कस विथ यू द वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज़ द निफ्टी आईटी इंडेक्स यस फ्रेंड्स ये एक सेक्टर ऐसा है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है और अगले दो तीन महीने में और नेक्स्ट जो एक साल है उसके अंदर ये सेक्टर आउट परफॉर्म करने का मैक्सिमम चांस है क्योंकि जो सेक्टर लास्ट ईयर अंडर परफॉर्म करता है वही सेक्टर नेक्स्ट ईयर आउट परफॉर्म करता है दैट्स यू नो साइकिल ऑफ द मार्केट और ओवर हीयर आई हैव फाइंड वन ऑफ द यू नो वेरी इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट दैट इज़ अ एस बी आई ई एंड इट्स रिप्रेजेंट द निफ्टी आई इंडेक्स यस फ्रेंड निफ्टी आई का ये ई टी एफ दैट इज़ अ एस बी आई ई टी एफ आई टी यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने थ्री जीरो सिक्स रुपीज़ में इसको परचेज़ किया हुआ है

तो यहाँ से अगर हम इसमें पोजिशन्स बनाते हैं तो डेफिनेटली वी विल मेक लॉट्स ऑफ मनी इज फ्रेंड तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा किस तरह से आप भी इस सेक्टर का एडवांटेज ले सकते हो आपके पोर्टफोलियो के अंदर और पूरा डिटेल में हम डिस्कस करें सर तो लास्ट तक बने रहना एंड स्टिल इफ़ यू डो नॉट सब्सक्राइब द प्राइवेट इन्वेस्टमेंट प्लीज सब्सक्राइब एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो सो फ्रेंड लेट्स जर्म्स टू द निफ्टी आईटी इंडेक्स चार्ट यस फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी आईटी सीएनएक्स आईटी आप ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म पे इसको सर्च करोगे तो आपको इंडेक्स का चार्ट मिल जाएगा दैट इज़ करेंटली ट्रेडेड अराउंड द ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड नाइन्टी रुपीज़ फ्रेंड तो यहाँ पे आप देखोगे तो लास्ट वन ईयर से यहाँ पर जो लास्ट बॉटम जो बना था दैट इज़ द सिक्सटीन जून को ये बॉटम बना था एंड उसके बाद यहाँ पर मार्केट जो है वो आई का इंडेक्स जो है वो आपको यहाँ पे साइड में दिखता हुआ दिख रहा है यस फ्रेंड्स तो ये ये एक जॉन है जिसके बीच में आपको यू you नो know, ये uh, मतलब रेंज uh, बाउंड हुआ है दैट इज अ ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड फाइव हंड्रेड से लेके थर्टी वन थाउजेंड के बीच में ये जो पूरा इंडेक्स है वो मूव कर रहा है यस फ्रेंड्स तो अभी साइडवेज में करंटली रिसेंटली टच टू थर्टी वन थाउजेंड को टच किया था उसके बाद वापिस यू नो रिट्रेस हुआ और यहाँ पे अभी की डेट पर ट्वेंटी नाइन थाउजेंड फोर हंड्रेड पर जो पर्टिकुलर इंडेक्स है वो ट्रेड कर रहा है यस फ्रेंड्स तो यहाँ पे अभी क्वेश्चंस बनता है कि हमें कहाँ पे एंट्री लेना चाहिए तो आप यहाँ पे देखोगे तो एट एक साल से 26 मतलब अराउंड 26 जून जो अभी कंप्लीट हुआ राइट right? 26 uh, मतलब तो अभी 26 जुलाई मतलब ऑलमोस्ट यू नो 13 मंथ साइडवेज में घूम रहा है यस yes, फ्रेंड्स तो यहां से वंस इट्स ब्रेक आउट द 31,000 लेवल देन इट्स यू नो लाइक गोज अप लाइक यू नो ऑल टाइम हाई और यहाँ पे देखोगे तो इसका ऑल टाइम हाई लेट मी चेक द ऑल टाइम हाई और इसका ऑल टाइम हाई जो बना था देट इज़ अराउंड यू नो फोटी थाउजेंड थर्टी नाइन थाउजेंड फाइव हंड्रेड तो यहाँ से अगर हम मेज़र करते कि यहाँ से अगर हम मेज़र करते तो ऑलमोस्ट यू नो द ऑल टाइम हाई इज़ थर्टी नाइन थाउजेंड के हिसाब से थर्टी थ्री परसेंटेज इज़ द ऑल टाइम हाई यस फ्रेंड्स तो यहाँ से थर्टी परसेंट थर्टी थ्री परसेंटेज अगर राइड मिलता है तो ऑल टाइम हाई पर जाएगा यस yes, फ्रेंड्स तो अभी हम क्लोजली कौन से लेवल्स देख रहे वो मैं आपको बताऊं तो ये थर्टी वन थाउजेंड का लेवल जो मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है दैट इज़ थ्री टाइम इट्स ऑलरेडी टच यस फ्रेंड्स तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे नवंबर में टच किया था उसके बाद फेब्रुवरी में टच किया एंड रिसेंटली इन जुलाई मंथ में अभी ये टच किया तो थ्री टाइम ऑलरेडी यू नो थर्टी वन थाउजेंड पे टच करें मतलब दैट इज अ वेरी स्ट्रांग रजिस्टेंस ऑन द थर्टी वन थाउजेंड तो ये थर्टी वन थाउजेंड का लेवल अगर ये क्रॉस कर देता है ओके देन वी डेफिनेटली यू नो टुक द पोजिशन एंड देन इट विल बी ब्लास्ट दैट इज टू बी श्योर ईयर्स फ्रेंड क्योंकि ये ऑलमोस्ट पूरा सेक्टर है यस फ्रेंड तो ये सेक्टर के अंदर अगर आप इंटरेस्ट लेते हो जैसे मैंने आपको अभी दिखाया कि हमारे पोर्टफोलियो के अंदर ऑलरेडी वी बिल्ड अप दिक्सटीन हंड्रेड फिफ्टी पोजिशंस ओके तो यहाँ पे फाइव लैक्स का माल ऑलरेडी हम लेके बैठे हैं दैट इज़ इट ट्रैक्स द यू नो निफ्टी आई वो भी मैं आपको चार्ट अभी दिखाऊंगा तो सेम वे से ये ट्रैक कर रहा है पूरा इंडेक्स को दैट इज़ अ एक्सचेंज ट्रेड फंड ए मैंने पास में वीडियो भी बनाए आप वो देख सकते हो यस फ्रेंड्स तो यहाँ पे अभी आप देखो क्लोजली अगर हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्टिंगली एक चीज़ बनी हुई है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे 50 क्रॉस द 150 फिफ्टी यस फ्रेंड ये 50 जो है उसको क्रॉस किया है और 200 हंड्रेड डेज मूविंग एवरेज है स्लोपिंग अप हुआ है तो यहाँ पे दो चीज़ अगर आप ट्रेंड अगर आपको पता है कि ट्रेंड में कैसा हुआ कि अगर 50 क्रॉस द 150 एंड 200 हंड्रेड डेज स्लोपिंग अप

तो ऑल थ्री मूविंग एवरेजेस आर स्लोपिंग अप एंड इट्स रिसेंटली टच टू दिस 50 मूविंग एवरेजेस फ्रेंड्स ये 50 मूविंग एवरेज को अभी लास्ट जो ट्रेडिंग डे है 28 जुलाई मतलब ये फ्राइडे को ये टच हुआ और उसके ऊपर ये क्लोज हुआ है यस फ्रेंड्स तो अगर नेक्स्ट वीक में कैंडल कैसा फॉर्म होता है उसके ऊपर डिपेंडेबल है तो यहाँ पर लास्ट जब ये हुआ था आप यहाँ पर पास्ट में देखोगे तो अभी यहाँ पर भी फिफ्टी क्रॉस वन हुआ था बट उस टाइम पर टू डेज मूविंग जो था वो स्लोपिंग डाउन था ओके okay. अगर 200 हंड्रेड डेज स्लोपिंग डाउन है और ये दोनों क्रॉस करता है और 150 क्या था स्लोपिंग डाउन था सो वन खाली ओनली 50 डेज मूविंग एवरेज है वो ही स्लोपिंग अप था बट यहाँ पे ऐसा नहीं यहाँ पे क्या है कि 50 एंड 150 बोथ आर स्लोपिंग अप एंड दिस रेड लाइन दैट इज़ अ 200 हंड्रेड डेज सिंपल मूविंग एवरेज दैट ऑल्सो स्लोपिंग अप स yes, फ्रेंड्स तो यहाँ से ज्यादा कन्विक्शन है कि ये ट्रेंड है वो रिवर्स होने वाला यस yes, फ्रेंड्स तो अगर हम यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं देट इज़ अ राइट पीरियड वेर वी यू कैन टेक द एंट्री टेक्निकली ओके एंड देन वी टूक दिस यू नो दिस दिस फोर्टी थाउजेंड रुपीज का राइड यहां पे आप देखोगे तो ये जो सेक्टर है वो ऑल टाइम हाई पे जाएगा देट इज टू बी श्योर यस फ्रेंड अगर ये सेक्टर में अभी हम एंट्री ले, ले लेते हैं तो हम यहां से बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं sure, yes, यहां पर एक कंफर्मेशन मिल रहा है अगर आपको डबल कंफर्मेशन चाहिए तो यू कैन टुक एंट्री आफ्टर इट्स यू नो ब्रेक आउट दिस लेवल थर्टी का ये जो लेवल है अगर इसको ये ब्रेक कर देता है ये जो है इसको ब्रेक कर देता है और यहां पर ये एरिया में भी अगर आप एंट्री

एस बी आई ई टी एफ आई टी तो यहाँ पे हम ए ये सिलेक्ट कर लेते हैं ये जो आप सर्च करोगे गूगल में भी सर्च कर सकते हो और यहाँ पे आप कोई भी स्क्रिप्ट में भी सर्च कर सकते हो राइट तो यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में मैं आपको दिखाता हूँ टेक्स ट्रैक्स एग्जैक्टली द निफ्टी आई टी तो यहाँ पे आप देखोगे तो एग्जैक्टली exactly ये भी आपको एक साइड वे में दिख रहा है राइट तो यहाँ पे साइड वे के अंदर ऑलमोस्ट यू नो इसका रेट आज की डेट पर आप देखोगे तो 309 चल रहा है ओके okay? और यहाँ पे आप देखोगे तो ये साइडवेज में एक साल से ऑलमोस्ट चल रहा है ओके okay? तो जो लोअर बैंड था वो वो था टू सेवेंटी टू एटी का अराउंड और जो हायर बैंड था दैट इज़ अ थ्री थर्टी रुपीज़ का अराउंड यस फ्रेंड तो ये जो Uh, 270 से लेकर 330 का जो बैंड है इसके बीच में ये जो ट्रेड था वो कंसोल्टेशन uh, हो रहा है और अभी 50 मूविंग एवरेज के ऊपर यहां पर भी 309 पे सपोर्ट बन रहा है यस फ्रेंड सो इट्स एग्जैक्टली ट्रैक द निफ्टी आईटी इंडेक्स यस फ्रेंड तो आप क्या है ये जो ईटीएफ है इसका एडवांटेज लेके कि यहाँ पर आप इसको परचेस करके आप इसका जो ऑल टाइम हाई है दैट इज ऑलमोस्ट यू नो फोर ट्वेंटी का राउंड है राइट right? तो फोर ट्वेंटी का राइड हम ले सकते हैं अगर आपको डबल कंफर्मेशन चाहिए तो आप 330 के बाद भी ये एरिया में एंट्री ले सकते हो अदरवाइज यू कैन टेक एंट्री इन योर पी डिफाइन यहाँ पे हम एंट्री ले सकते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न यस फ्रेंड्स ये जो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न बना है इसलिए वी हैव बॉट ऑलरेडी एट द यू नो थ्री जीरो सिक्स येस फ्रेंड्स हमने ये हमारे पोर्टफोलियो के अंदर यहाँ पे थ्री जीरो सिक्स में परचेज़ किया है ऑलमोस्ट सिक्सटीन हंड्रेड फिफ्टी क्वांटिटीज येस फ्रेंड्स और ये जो एम टी एफ ट्रेड है ये ये पर्टिकुलर जो ट्रेड है वो एम टी एफ है मार्जिन ट्रेडिंग फंडिंग आप एम टी एफ के ऊपर ये परचेस कर सकते हो यस फ्रेंड मैंने लास्ट वीडियो एम टी एफ के ऊपर बनाया हुआ है आप वो देख सकते हो राइट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मैं दे दूंगा तो आप वो वॉच भी कर सकते हो तो ये एम टी एफ ट्रेड आप ले सकते हो आपके पोर्टफोलियो में आई सी आई सी डायरेक्ट के अंदर ये काम कर सकते हो आप यस yes, फ्रेंड्स अगर आपके पास डिमेट अकाउंट नहीं है तो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं मैंने डिस्क्रिप्शन में आई सी आई सी डायरेक्ट का यू नो लिंक भी दिया हुआ है वहाँ से आप डायरेक्ट डीमेट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो और एम टी एफ फैसिलिटी आप यूज कर सकते डायरेक्ट प्रोवाइड करता है दैट इज ऑनली नाइन पॉइंट फाइव इंटरेस्ट रेट दैट इज पर डे जीरो पॉइंट जीरो पैसा ले सकते हो और यहां पर आपको ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट मार्जिन आपको पे करना है ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर एसबीआई के अंदर बाकी का जो सेवेंटी परसेंटेज जो अमाउंट है वो बैंक प्रोवाइड करेगा यस फ्रेंड और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है तो एम के अंदर आप जितना चाहो उतना क्वांटिटी परचेस कर सकते हो आपकी कैपेसिटी के हिसाब से ओके फ्रेंड्स और इसका आप लाभ ले सकते हो इसका आप फायदा ले सकते हो अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन है आपको डाउट है तो आप कमेंट कीजिए और मैंने डिस्क्रिप्शन में हमारे कस्टमर केयर का नंबर भी दिया हुआ है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हो किस तरह से आप इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर काम कर सकते हो हमारे साथ जो हमारे मतलब हमारे जो कस्टमर्स है वो भी इस हिसाब से काम करते हैं तो यहाँ से आपको क्या है राइट right वे से गाइडेंस मिलेगा आपको हम सिखाएंगे किस तरह से आप ये सारे सेक्टर का एडवांटेज ले सकते हो बिकॉज यू नो यू आर नॉट टेकिंग रिस्क इन पर्टिकुलर वन वन कंपनी यू आर टेकिंग द रिस्क इन सेक्टर होल सेक्टर और यहाँ पर निपटी आई का जो है उसमें ग्यारह कंपनी इन्वॉल्व है यस फ्रेंड्स तो आप गूगल में सर्च करोगे कि ये निफ्टी आई इंडेक्स है उसके अंदर कौन सी कौन सी कंपनीज है मैंने उसके ऊपर भी सेपरेट वीडियो बनाया तो आप वो भी देख सकते हो यस फ्रेंड और इसका एडवांटेज आप ले सकते हो तो क्योंकि एक सेक्टर के ऊपर आप जब यू नो रिस्क लेते हो तो आपको डेफिनेटली उसका फ़ायदा होता है और जो सेक्टर अंडर परफॉर्म करता है वो सेक्टर के अंदर आप अगर इंटरेस्ट लेते हो तो आपको डेफिनेटली ये जो ये जो रिजल्ट है दैट इज़ अ थर्टी परसेंट का राइड आप ले सकते हो अगर मार्जिन के साथ आप काम करोगे तो आपको थर्टी परसेंटेज आपका पेमेंट करना है सेवेंटी परसेंट आपको बैंक करेगा तो अगर आप थर्टी परसेंट राइड लेते हो तो यू कैन गेट ऑलमोस्ट नाइन्टी टू हंड्रेड परसेंट रिटर्न इन दिस स्क्रिप्ट विद इन वन ईयर यस फ्रेंड सो ये एक अपॉर्चुनिटी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ इस चैनल थ्रू इस अपॉर्चुनिटी को आप उठाइए और पैसा बना सकते हो आप ईजिली फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो हमारे कस्टमर केयर में आप कॉल कीजिए मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा किस तरह से आप इस पर्टिकुलर वे से पैसा बना सकते हो यस फ्रेंड्स होप यू एंजॉय दिस वीडियो होप यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स फैमिली एंड प्लीज़ यू नो सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक करना मत भूलिएगा लेट्स मीट इन टू द नेक्स्ट वीडियो थैंक यू फॉर वॉचिंग